बरेली में बुधवार को जश्न ईद मिलादे उन नबी के उपलक्ष्य पर निकाले जाने वाले जुलूस में डीजे लाने पर प्रतिबंध के विरोध में कई अंजुमनों का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिसने ईद मिलाद उन नबी के जश्न में जुलूस की शक्ल में निकलने वाली अंजुमनों में डीजे बजाने के लिए परमिशन की मांग की है। इसको लेकर अंजुमन प्रतिनिधिमंडल ने लेकर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद अंजुमन प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के जश्न में पुराना शहर और नया शहर से हर साल करीब 120 अंजुमने जुलूस की शक्ल में निकलती रही हैं, जिसमें हर साल अंजुमने अपना अपना डीजे लगवाकर मध्यम ध्वनि में बजाती हैं, जो कोई नई परंपरा नहीं है बल्कि यह सालों से चला आ रहा है। इससे किसी धर्म विशेष को कोई शिकायत नहीं रही है क्योंकि अंजुमन का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाता है। वहीं इस बार भी किसी विवाद की आशंका नहीं है। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी अंजुमन के जुलूस में डीजे बजाने की परमिशन दी जानी चाहिए। इस दौरान अंजुमन प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शेख मुमताज सकलैनी ने कहा कि उन्हीं के धार्मिक संगठनों की तरफ से अंजुमन के जुलूस में डीजे न लाने का दबाव बनाया जा रहा है। बात नहीं मानने पर पुलिस द्वारा डीजे सीज करा के अन्य कार्रवाई के लिए धमकाया जा रहा है, जिससे करीब 120 अंजुमनों में शामिल हजारों अकीदतमंद निराश हैं। उनका कहना है कि वह समाज में आपसी भाईचारे के बीच शांतिपूर्ण अंजुमन का जुलूस निकालेंगे, इसके लिए उन्हें डीजे लाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुद्दा यह है साहब, एक जुलूस की जो एक जायज मांग है उसको हम लेकर के आए हैं कि जिस तरीके से 10-12-15 साल से जो चला आ रहा है कि डीजे से जुलूस चला आ रहा है, डीजे से तमाम अंजुमने आती है, आज डीजे पे अचानक 4 दिन पहले हमसे ये कहा जा रहा है कि डीजे नहीं लाएंगे आप एक कमेटी के जरिए, और वो कमेटी जो है पुलिस पे दबाव बनाई हुई है कि आप इनसे कहो कि अगर डीजे लेकर के आए तो हम डीजे सीज कर देंगे, आपका चालान कर देंगे, अंजुमन के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कौन सी कमेटी है? ये जो जुलूस की कमेटी है हमारी अंजुमन से अलग। नाम बताइए। खुदा में रसूल पुरानी शहर के इत्तेहादे मुस्लिम है। तब के जो लोग ये मना कर रहे हैं यही लोग कल डीजे के साथ चादरें पेश करके आए हैं तमाम मजारों पे। उस टाइम इन्होंने डीजे को हराम नहीं कहा, लेकिन आज ये कहते हैं कि डीजे हराम है। हराम है तो सब में ही हराम है, ये सरासर गलत चीज़ है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सारी अंजुमनें तैयार हो चुकी हैं, एक एक अंजुमन का खर्चा किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, और एक जो बड़ी अंजुमन है 700-750 लड़का है, उनकी ड्रेसें तैयार हो चुकी है, करीब 7.5-8 लाख का खर्चा हुआ है। और अगर हमें डीजे से जाने नहीं दिया गया तो हम ये अंजुमने 120 अंजुमने जो है वो इसमें शरीक ही नहीं होगी, हम जुलूस ही नहीं लेके जाएंगे। क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं जैसे ही चलता है, जैसे जुलूस हर साल चलता है उसी तरीके से चले। अगर प्रशासन चाहता है कि इसमें थोड़ी वॉइस कम करी जाए, डीजे हैवी ना लगाया जाए, हम ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पुलिस के साथ देने के लिए तैयार है हर तरीके से, लेकिन हमें किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए। अगली बार अगर वो डीजे की बात करते तो 1 महीने पहले करें, उसके लिए ज़रूर बात करेंगे हमें। अभी किसको ज्ञापन देने हैं? अभी हम जिलाधिकारी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, आप मिल नहीं पाए हैं तो हमने स्टेट साहब को हमने दिया है।